एवरीवन, वेलकम टू चेतनाज लाइफस्टाइल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छे से प्रोडक्ट का रिव्यू लेकर के आई हूँ। और अभी जैसा कि वेडिंग सीजन आने वाला है और फेस्टिवल्स भी आने वाले हैं, और कुछ फेस्टिवल्स तो आ ही चुके हैं, तो ये वीडियो स्पेशली मैंने इसलिए आप सभी के लिए शूट किया है कि बहुत सी बार पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम सैलून में जाएं और हमारे बालों पर अच्छा सा ट्रीटमेंट करवा कर आ सके। तो इसलिए मैंने एक प्रोडक्ट आप सभी के लिए लिया है, मैंने उसे यूज़ किया है, उसके बाद मैंने आप सभी के साथ में उसका जो ऑनेस्ट रिव्यू है वो शेयर करना चाहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको इसे पूरी तरीके से करके दिखाऊंगी। तो आज जिस प्रोडक्ट का रिव्यू मैं आप सभी के साथ में करने वाली हूँ वो है ये हिमालया का प्रोटीन हेयर क्रीम। आप इस तरह का इसका पैकेजिंग देख सकते हैं। और ये जो प्रोटीन हेयर क्रीम है ये बालों में एक्स्ट्रा नरिशमेंट देती है, नरिशेस करती है हेयर्स को, कीप्स हेयर हेल्दी, और ये आपके बालों को हेल्दी बनाती है ये वाली जो क्रीम है। तो आप अगर सैलून नहीं जाना चाहते हैं और आपको बालों पर हेयर स्पा वाला जैसा लुक भी चाहिए इस फेस्टिवल के सीज़न में, तो आप इस क्रीम को लगा कर के भी वो रिज़ल्ट पा सकते हैं। तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि इस वाली जो क्रीम का रिव्यू है आप सभी के साथ में शेयर करूं, और ऑनेस्ट रिव्यू ही मैं आप सभी के साथ में शेयर करती हूं। तो मैंने इससे पहले भी एक हिमालया का एक एंटी हेयर फॉल क्रीम का रिव्यू शेयर किया था, तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप उसे भी देख सकते हैं। और ये जो प्रोटीन हेयर क्रीम है ये वैसे तो सभी तरह के बाल वाले लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है इसको यूज़ करने के बाद में, ये जो क्रीम है ये एक्स्ट्रा नरिशमेंट देती है आपके बालों में। तो जिनके बाल बहुत ज़्यादा ऑयली होते हैं या डैंड्रफ की जो समस्या है वो रहती है, तो उनको ये वाली जो क्रीम है ये यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑयल आपको देती है और नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। तो जिनके बाल ऑलरेडी ही ऑयल छोड़ते हैं, ऑयली रहते हैं, थोड़ी देर के बाद में वॉश करने के बाद में ही ऑयल इंक्रीज होने लगता है, तो उनके बालों में मैं समझती हूँ कि इसे वो यूज़ ना करें। तो ऑयली बालों के लिए तो ये बिल्कुल भी नहीं है, और जिनके बाल नॉर्मल हैं ड्राई बालों के लिए ये बहुत अच्छा वर्क करती है। तो जैसे कि अभी बहुत से लोग बालों पर बहुत से ट्रीटमेंट करवाते हैं या फिर हाइलाइट्स करवाते हैं, जिसकी वजह से केमिकल ट्रीटमेंट की वजह से बाल का जो नीचे वाला एरिया होता है, जो सेक्शन होता है टिप वाला, वो बहुत ज़्यादा ड्राई होने लगता है, तो उसमें ये जो क्रीम है ये काफ़ी अच्छा वर्क करेगी। और मैं आपको इस क्रीम के बारे में आगे डिटेल्स भी बताऊंगी और साथ ही में इसे लगा करके भी दिखाऊंगी। ये है हिमालय की प्रोटीन हेयर क्रीम, एक्स्ट्रा नरिशमेंट वाली ये क्रीम है, और कुछ इस तरीके के जार पैकेजिंग में आती है। ये प्लास्टिक का जार है, अट्रैक्टिव पैकेजिंग के साथ में आपको ये मिलती है, और 100 ml इसकी क्वांटिटी है। साथ ही में इसका जो MRP है वो है 80 rupees, और 3 years इसकी शेल्फ लाइफ है, तो आप इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं। और इसकी जो क्वांटिटी है वो प्राइस के अकॉर्डिंग सही है। अगर आपके बालों की लेंथ मेरे बालों जितनी है तो ये पूरा ही आपको लगने वाला है, ये पूरा पैकेजिंग आपको एक बार में ही ख़त्म हो जाएगा। और ये जो पैकेजिंग है इसकी जो बाकी की डिटेल्स हैं वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसकी अंदर से जो प्रोडक्ट है, इसका जो प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, बहुत ज़्यादा क्रीमी कंसिस्टेंसी है, लेकिन लगाने के बाद में इतना ज़्यादा ऑयल फील नहीं होता है, ऑयली ऑयली सा फील नहीं होता है। और चलिए अब मैं इसे आपको लगा करके दिखाती हूँ। और अब यहाँ पर मेरे जो बाल हैं वो लगभग 3 से 4 दिन पहले मैंने धुले थे, उसके बाद में आप देख सकते हैं मेरे बाल, और अब इनके ऊपर मैं ये डायरेक्टली ही अप्लाई कर लूँगी। ये जो क्रीम है ये पूरा जार मैंने फिनिश कर दिया था, क्योंकि ये ऑलमोस्ट लग ही जाता है मेरे जितने बालों की लेंथ है, ये मीडियम लेंथ है मेरे बालों की, तो ये पूरा लग जाता है। और इससे लंबे अगर आपके बाल हैं तो आपको ये 2 जार लगेंगे, क्योंकि ये पूरे रूट से टिप तक आपको लगाना है, तभी जा कर के बाल सिल्की और स्मूथ बनते हैं। तो कुछ इस तरीके से मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ। आपको पहले इसे रूट्स पर लगाना है ताकि ये रूट्स पर अच्छे तरीके से लग जाए, और उसके बाद में जो प्रोडक्ट बचेगा उसे आप टिप पर लगा लीजिए। और मेरे बालों पर ये पूरे टिप पर
अच्छे से नहीं लग पाया, लेकिन मैंने फिर भी इसे लगाया है कोशिश करके। थोड़ा सा मुझे कम लगती है क्वांटिटी इसकी, प्रोडक्ट की थोड़ा ज़्यादा होता तो अच्छे तरीके से लगा पाती। और इसे मैंने लगा करके और शावर कैप अब मैं इसके ऊपर पहन लूँगी और आधे घंटे तक मैं इसे छोड़ दूँगी। उसके बाद मैं शैम्पू करूँगी, कंडीशनर में नहीं करूँगी, क्योंकि मैं इसका जो एक्चुअल रिजल्ट है वो देखना चाहती थी। और शावर कैप लगाने के बाद में होता ये है कि जितना भी प्रोडक्ट का मॉइस्चर होता है वो लॉक हो जाता है और अच्छे तरीके से बालों में प्रोडक्ट चला जाता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो उसकी वजह से जो रिजल्ट प्रोडक्ट का आना होता है वो एक्चुअल रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। तो मैंने इसे लगा लिया है और आधे घंटे के बाद में मैं इसे वॉश करके आप सभी को बताती हूँ कि इसका जो रिजल्ट है वो मेरे बालों पर कैसा आया है। और मैंने अपने बालों पर इसे अप्लाई किया था, और ये अप्लाई करने के दूसरे दिन का ये मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं बालों पर जो शाइनिंग आ रही है अभी, मेरे ये जो शाइन है बालों में, ये मैंने लगाया था और मैंने इसे आधे घंटे बाद में वॉश कर लिया था शैम्पू करके। कंडीशनर मैंने नहीं लगाया है, कंडीशनर मैंने इसलिए नहीं लगाया था क्योंकि मैं इस क्रीम का जो एक्चुअल जो रिज़ल्ट आता है वो देखना चाहती थी। तो इसलिए मैंने क्रीम नहीं लगाया, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि ये आपके बालों पर एक्स्ट्रा नरिशमेंट देगी, तो इसी वजह से मैंने कंडीशनर को स्किप कर दिया। लेकिन कंडीशनर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप जब भी हेयर वॉश करते हैं तो कंडीशनर ज़रूर लगाइए। तो ये जो है इसके अंदर चिकपी है, आंवला है, और 100 ml की क्वांटिटी में आता है, 80 rupees में आपको मिल जाता है। और इसकी जो शेल्फ़ लाइफ है वो है 3 years, तो काफ़ी अच्छा टाइम आपको मिल जाता है 100 ml क्वांटिटी के साथ में आता है ये। तो अभी आप मेरे बालों पर जो शाइनिंग है वो देख सकते हैं। ये सेकेंड डे का वीडियो मैं शूट कर रही हूँ, इसको लगाने के दूसरे दिन बाद मैं आपको ये बता रही हूँ कि इसका जो रिज़ल्ट है ये कितना ज़्यादा औसम आया है। हाँ, थोड़ा सा इसके साथ में मुझे एक प्रॉब्लम भी हुई, हल्के से मेरे जो बाल हैं वो निकले इसको लगाने के बाद में, लेकिन इतने नहीं निकले हैं, जो नॉर्मल निकलते हैं वही निकले हैं। तो वो टेंशन वाली बात नहीं है। और आप देख सकते हैं बालों पर जो शाइनिंग इस हेयर मास्क ने दी है मुझे। लेकिन आपके अगर बाल ऑयली है तो आप इसे बिल्कुल भी यूज़ ना करें, मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा नरिशमेंट देती है बालों को। तो इस वजह से ये ऑयल ज़्यादा जिनके बालों में आता है वो इसे बिल्कुल भी यूज़ ना करें। और अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने ये जो आउटफिट पहना हुआ है ये मैंने कहाँ से लिया है, तो ये जो कुर्ती है ये मैंने फ्लिपकार्ट से ली थी, और ये कुर्ती 2 साल पुरानी है, तो ये अभी तक भी एज़ इट इज़ वैसी ही है। और इसे पहनने के बाद में इसके साथ में जो फ़ोटोग्राफ्स आती हैं बहुत कमाल की आती हैं। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो ये फ़्लिपकार्ट पर, मीशो पर आपको अवेलेबल हो जाएगी, और आई थिंक ये आपको अमेज़ोन पर भी मिल जाएगी। इसका जो ब्रांड नेम है वो है पोशाक घर। और ये जो दुपट्टा मैंने इसके साथ में वेयर किया हुआ है ये मैंने अमेज़ोन से लिया था, तो इसका रिव्यू मैंने शेयर किया हुआ है और कुर्ती का रिव्यू भी मैंने शेयर किया हुआ है। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं इन दोनों के वीडियो के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहां से इन्हें देख सकते हैं। इस फेस्टिवल के सीज़न में अगर हमारे बाल और स्किन हेल्दी रहेंगे तो ऑलरेडी हमारे लुक में 4 चांद लग जाएंगे। तो मुझे तो ये जो क्रीम है ये बहुत ज़्यादा पसंद आई है हिमालया की, और अब मैं इसे एक बार फिर से यूज़ करना चाहूँगी, क्योंकि इससे जो बाल मेरे सॉफ्ट सिल्की बन गए हैं और आप देख सकते हैं बालों में शाइनिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी आई है। तो आप डेफिनेटली इसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर एक बार और कहना चाहूँगी कि आप यदि पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं इसे तो एक बार पैच टेस्ट ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत से लोगों को सूट नहीं होता है कोई प्रोडक्ट। मुझे ये प्रोडक्ट सूट हुआ है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको भी ये प्रोडक्ट सूट हो। तो आप थोड़ा सा लेकर के हाथ में और अपने साइड में यहाँ पर लगा लीजिए, और कोई भी आपको इरिटेशन या जलन होती है तो आप इसे यूज़ ना करें। और वैसे तो ये क्रीम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। तो आई होप आज का ये रिव्यू आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, एंड चेतनाज लाइफस्टाइल चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।